नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि इस वर्ष 30,000 नियुक्तियां की जाएंगी। आपको बता दें कि यह निर्णय कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लिया गया है। राज्य सरकार चाहती है कि कोरोना के तीसरे लहर से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत न हो। और अब इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह ऐलान किया है कि इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में 30,000 नियुक्तियां की जाएंगी। किन पदों पर होगी यह नियुक्ति, क्या कुछ कहा है मंगल पांडे ने और क्या तैयारी है बिहार सरकार की, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर विस्तृत कार्य योजना बनाई है। मंगल पांडे ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है। वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30,000 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएगी। आपको बता दें कि मंगल पांडे ने बताया है कि व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मानव बल की आवश्यकता है। इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ और समान चिकित्सक, तो वहीं 3,270 आयुष चिकित्सक, 4,671 जीएनएम और 9,233 एएनएम की नियुक्ति 15 सितंबर 2021 तक कर लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अलग अलग पदों पर लगभग 7,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेज, सह अस्पतालों और सदर अस्पताल से प्राप्त नीकू, पीकू और एसएनसीयू के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची बीएमएसआईसीएल को उपलब्ध कराकर शीघ्र आपूर्ति करने का निर्देश भी दिया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए विभिन्न संयंत्र, उपकरण और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। इसके तहत सभी सीएचसी, रेफरल अस्पताल और पीएचसी पर 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में 2-2 बाईपैप मशीन इस माह के अंदर भेजी जाएगी। 54 अनुमंडल और जिला अस्पताल में पीएसए प्लांट और सभी मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक अगले 3 महीने में लगाना सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है, जिस क्रम में सभी अस्पतालों में काम शुरू हो चुका है। तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी कहा गया है, तो वहीं अब लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पाई जा रही थी, उसे देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि सितंबर तक स्वास्थ्य विभाग में 30,000 नियुक्तियां की जाएगी। इससे बेरोजगारों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त बिहार में बेरोजगारी कोरोना काल की वजह से बेहद ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को भी राहत मिलेगी और कोरोना काल को देखते हुए मंगल पांडे का यह निर्णय बेहद अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना के तीसरी लहर की बात की जा रही है। ऐसे में अब बिहार सरकार पूरी पुख्ता तैयारी करना चाहती है, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।